Hello dear students, today we read lesson number 3. The lesson number 3 is the Dholak Man. This is the story about a person who is Dholak Man. ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गांव में घूम घूम के क्या करता था, ढोलक बजाता था, और उसकी ढोलक की जो आवाज़ थी वो काफ़ी क्या थी, अलग थी, और वो अपनी एक अलग पहचान बना गया था। जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे अपना एक अलग पहचान बना के वो वापस आता था। तो इस स्टोरी को हमने रीड किया है थोड़ा सा, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसा वो ढोलक मैन था। देखिए, अब जब बच्चे सब उसको चारों तरफ से बैठे रहते हैं घेर के, उसमें से एक जो छोटी बच्ची रहती है जुल्फी, वो उससे क्या कहती है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए पढ़ते हैं। ऑन वन सच ओकेजन, माहौल ऐसा ही था जैसा इसके पहले भी वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जब वो बैठ जाता था तो चार जितने बच्चे थे उसको चारों तरफ से घेर के बैठ जाते थे और उससे क्या करते थे, एक स्टोरी सुनते थे और वो स्टोरी सुनाता था और उसके लिए एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन के आती थी, पीता था और स्टोरी बच्चों को सुनाता था। तो माहौल ऐसा ही था। जुल्फी इज एन एफर्ट टू डिले हिम आज। जुल्फी जो छोटी सी बच्ची थी उसने उससे कहा, ढोलक मैन से, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहां से आए हो या आप कहां रहते हो। नो वेयर ही सेड। फिर ढोलक मैन कहा, कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं से आया हूं या मैं कहीं नहीं रहता हूं। एंड वेयर आर यू गोइंग टू, आस्क जुल्फी। फिर जुल्फी ने पूछा, आने तो आप आ गए हो, फिर आप कहां जा रहे हो या कहां जाओगे। समवेयर ही सेड। फिर ढोलक मैन कहता है, कहीं भी, मैं कहीं भी क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। बट वी वॉन्ट टू ने नो, इंसिस्टेड जुल्फी। जुल्फी फिर जोर दे के कहती है, नहीं नहीं, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जानना ही है कि आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ जाते हो। इट इज नॉट गुड टू नो टू मच, लाफ्ड द ढोलक मैन। अब जो ढोलक मैन रहता है वो हंसते हुए कहता है छोटी सी बच्ची को कि अभी तुम काफी छोटी हो, इस वजह से कहता है कि तुमको अभी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है या ज्यादा कुछ जानना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। वेयर आई कम फॉर फ्रॉम इज फार अवे, मैं कहाँ से आया हूँ वो काफी दूर है। इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस लाइक नो अदर यू हैव एवर सीन, वो एक ऐसा जगह है जो काफी सुंदर है और इतना सुंदर है कि वैसा जगह तुमने या आप लोगों ने इस कभी नहीं देखा होगा। बट प्लीज टेल अस अबाउट इट, क्राइड जुल्फी। फिर जुल्फी चिल्लाती है कि कृपया आप हम लोगों को उसके बारे में क्या करिए, बताइए। इफ आई टेल यू, कहता है ढोलक मैन, इफ आई टेल यू, यदि मैं आप लोगों को बता दूंगा, यू विल गो, तो तुम लोग क्या करोगे, आप लोग वहीं चले जाओगे। लुकिंग फॉर दिस प्लेस, आप लोग उसी प्लेस पे उसी जगह पे चले जाओगे। बट इफ यू डू सो यू शैल नेवर सी मी अगेन, यदि ऐसा आप लोग करते हो तो मैं या मुझको आप लोग यहाँ पे कभी नहीं देख पाओगे। सेड द ढोलक मैन, ढोलक मैन ने कहा, यू मस्ट टेल अस, क्राइड द चिल्ड्रन। अब अभी तक तो केवल जुल्फी क्राई कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब सारे बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अब आप लोगों को क्या करना है, बताना है। बट द ढोलक मैन हैड पिक्ड अप हिज ड्रम एंड वॉज रेडी टू लीव। लेकिन जब ढोलक मैन देखा कि सारे बच्चे ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो ढोलक मैन ने अपना ढोलक उठाया और वो वहां से रेडी हो गया, तैयार हो गया उस जगह को छोड़ने के लिए या वहां से आगे बढ़ने के लिए। ही बीट अ स्लो रिदम एज ही वॉक अवे एज ही वेंट। जैसे जैसे वो जहां जाना चाहता था या जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक स्लो रिदम, एक एकदम स्लो, धीमे धीमे आवाज में कुछ ऐसा ढोलक को
बजा रहा था, रिदम उसमें से निकल रही थी। ही चांटेड इन हाल्फ सॉन्ग हाल्फ स्पीच, वो कुछ आधे स्पीच में या कुछ ऐसा गीत गा रहा था जो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा था, आधा आधा ही गा रहा था। और वो गीत क्या थी, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल के डीप इनसाइड काफी अंदर, इज माई हम्बल ड्वेलिंग प्लेस, वो जगह है उसी जंगल के नीचे, वो जगह है जहां पे क्या है मेरा आवास है, जहां पे मैं क्या रहता हूं मेरा निवास स्थान है। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इन ए केव, फिर फॉरेस्ट के अंदर एक गुफा है। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इन द शैडो ऑफ ए फोर्ट, और फिर बताता है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसी जहां गुफा है वहीं पे क्या है, इन द शैडो ऑफ ए फोर्ट, एक किले का किला है और उसी के छाया में मेरा जो ड्वेलिंग प्लेस है, मेरा जो रहने का स्थान है वो वहीं है, इन द शैडो ऑफ रानी दुर्गावती फोर्ट, और वो रानी दुर्गावती का जो किला रहता है उसी के छाया में मेरे रहने का स्थान है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग रीड करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।